आज की इस वीडियो में आपको पलक सिद्धवानी की लाइफस्टाइल, इनकम और फैमिली के बारे में बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि पलक सिद्धवानी को तारक मेहता शो में सोनू का रोल कैसे मिला और क्या ये सच है कि पलक सिद्धवानी तारक मेहता शो के साथ साथ एक और शो में भी ऑडिशन दे रही थी। पलक सिद्धवानी 11 अप्रैल 1998 को मुंबई इंडिया में पैदा हुए। उनकी उम्र 22 साल है। पलक सिद्धवानी ने अपनी स्कूल का एजुकेशन मुंबई के एक लोकल स्कूल से हासिल की। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जे हिंद कॉलेज से किया। उसके बाद उन्होंने SIES कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में बाकी पढ़ाई की। अब हम बात करेंगे पलक सिद्धवानी के एंटरटेनमेंट कैरियर के बारे में। पलक सिद्धवानी ने अपना एक्टिंग डेब्यू शॉर्ट फिल्म द बार से किया, जिसमें उन्होंने पलक का रोल निभाया। पलक सिद्धवानी ने अपना टीवी डेब्यू हॉस्टेजेस से किया, जो कि 2019 में रिलीज हुआ। एक्टिंग के साथ साथ पलक सिद्धवानी ने मॉडलिंग भी की। पलक ने 19 जनवरी को अपने कॉलेज का मॉडलिंग कॉम्पिटिशन भी जीता। अब हम बात करेंगे पलक सिद्धवानी को तारक मेहता का शो कैसे मिला। पलक सिद्धवानी का कहना था कि जब सोनू के रोल के लिए उनकी कास्टिंग चल रही थी, उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन माता पिता के साथ एक्टिंग की, यानी कि भिड़े और माधवी के साथ। पलक का कहना था कि उनके साथ और टप्पू सेना के साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड बन गया। उनका कहना था कि तारक मेहता शो के मेकर्स ने उनकी कुछ डांस वीडियो देखी तो और उन्होंने पलक से पूछा कि क्या पलक को मराठी बोलना आती है। तो और पलक ने उन्हें बताया कि उसे मराठी बोलना तो नहीं आती, लेकिन समझ आती है, लेकिन वो सोनू के रोल के लिए मराठी सीख लेगी। उस मीटिंग के बाद काफ़ी टाइम तक शो के मेकर्स की तरफ से पलक को कोई कॉल नहीं आई, लेकिन उसके बाद एक दिन कॉल आई और पलक से उन्होंने कहा कि आप मीटिंग के लिए आ जाओ। लेकिन पलक ने उनसे कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आए हुए हैं। तो शो के मेकर्स ने पलक से कहा कि अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ ले आओ। और फिर तारक मेहता शो के मेकर्स ने पलक को स्क्रिप्ट दी और सब एक्टर के साथ मॉकअप शूट करने को कहा। था कि वो तारक मेहता शो के साथ साथ एक और शो के लिए भी ऑडिशन दे रही थी, क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुके थे और उनके दोस्तों की तरह वो भी जॉब ढूंढ रही थी। पलक का कहना था कि काफ़ी टाइम गुजर गया और तारक मेहता शो के मेकर की तरफ से कोई और कॉल नहीं आई, लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि मैं रोल के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। लेकिन उस वक्त तक मैं दूसरा ऑडिशन भी दे चुकी थी और वो रोल ही मुझे मिल गया था, लेकिन पलक ने तारक मेहता में सोनू का रोल चूज़ किया। पलक सिद्धवानी के पेरेंट्स। पलक सिद्धवानी अपने भाई के साथ। पलक सिद्धवानी की तस्वीर अपने भाई के साथ। पलक सिद्धवानी की तस्वीर अपने भाई के साथ। जी, आप पलक सिद्धवानी के भाई को देख रहे हैं। पलक सिद्धवानी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। पलक सिद्धवानी की अब हम बात करेंगे पलक सिद्धवानी की सैलरी की। पलक सिद्धवानी पर एपिसोड 80,000 रुपये लेती हैं।